Welcome students in this first episode of comparative and academic planning session. जो ये CAPS की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 10th, 11th और 12th में हैं. इस सेशन में हमने सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th, 11th या 12th में हैं उन्हें इनवाइट किया है और स्पेसिफिक रीज़न है हमारी प्रिपरेशन जो हम JEE या NEET के लिए करते हैं उस प्रिपरेशन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग या सुदृढ़ कर सकते हैं. इस सेशन का मेन पर्पस यही है. क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो NTSC के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, जो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स के लिए, और इन क्लास 11th एंड 12th जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं आपके करियर कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि स्पेसिफिकली JEE या NEET एग्जामिनेशन के लिए हम स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर करते हैं. आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारी JEE या NEET की प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है वो है हमारी सेल्फ स्टडी. चाहे आप कोचिंग में जाते हैं या टोटली सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट हैं, इन सारे फैक्टर्स में अगर स्टूडेंट की सेल्फ स्टडीज़ वीक हैं तो इन दैट केस बहुत डिफ़िकल्ट है आप JEE या NEET में एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल कर सकें. कई स्टूडेंट्स ये रियलाइज़ करते हैं कि क्लास 10th तक उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन क्लास 11th और 12th में जब वो JEE या NEET की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कोचिंग के साथ करें या बिना कोचिंग के करें, उन्हें वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है जो परफॉर्मेंस वो 10th तक ऑलरेडी एग्जिबिट कर रहे थे. इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रीज़न होता है आपकी सेल्फ स्टडी करने का तरीका. क्लास 10th तक आप जिस तरीके से बुक्स को और स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं और क्लास 11th या 12th में जिस तरीके से बुक्स या स्टडी मटेरियल को फॉलो करने की ज़रूरत होती है वो एंटायरली डिफरेंट है. मगर स्टूडेंट क्लास 11th या 12th में ये रियलाइज़ करते हैं वो जिस तरीके से 10th तक पढ़ाई कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी प्रिपरेशन के अनुरूप रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे. आपने अपनी प्रॉब्लम भी बोली और साथ में सॉल्यूशन भी दिया. प्रॉब्लम ये कि आप वही तरीके फॉलो कर रहे हैं जो क्लास 10 तक करते थे. सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने पढ़ने के तरीके पूरी तरह से चेंज करने पड़ेंगे. आज JEE या NEET की प्रिपरेशन टोटली एकेडमिक एप्लीकेशन पे ओरिएंटेड प्रिपरेशन है, जबकि 10th तक की प्रिपरेशन, चाहे वो बोर्ड की प्रिपरेशन हो या NTSC स्टेज 1 या 2 की प्रिपरेशन हो, वो मोस्टली मेमोरी ओरिएंटेड प्रिपरेशन थी. यही वजह है कि कई सारे NTSC स्कॉलर भी आगे चल के JEE या NEET में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो ऐसे स्टूडेंट कर जाते हैं जिन्होंने NTSC क्वालिफाई भी नहीं किया. सबसे बढ़िया एग्जांपल तो हमारे LN जयपुर सेंटर का स्टूडेंट अमन बंसल, जो कि NTSC स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को जज करके, एनालाइज करके उसने इतना मॉडिफाई किया कि फाइनली ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ JEE में अपनी मेहनत का, अपनी प्रतिभा का डंका बजाया. सो इस फर्स्ट एपिसोड में मैं यही फोकस करने वाला हूं. क्विकली हम उन फैक्टर्स पे बात करते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हमारी प्रिपरेशन 11th और 12th में खराब हो जाती है. जो स्टूडेंट या 10th में ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो हमारे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी बुक्स या स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं. द बेसिक मेथडोलॉजी इज टू फॉलो फर्स्ट ऑल द थ्योरी कंटेंट. आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाई जाए या बुक्स में से या किसी स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं, समझ में आने के बाद आप जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल उस बुक में या स्टडी मटेरियल में, आप उन एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करते हैं. जी हाँ, सॉल्यूशंस को छुपा के सॉल्व एग्जाम्पल को स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं और जहाँ पे वो अटकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को जहाँ पे वो डाउट फेस करते हैं फिर सॉल्यूशंस को देख के क्लियर करते हैं, या अगर समझ में नहीं आता तो वो अपने टीचर्स से उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं. और ये बिल्कुल सही तरीका है अगर आप क्लास 10th में हैं, 9th में हैं या 8th में हैं तो. लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन को मेमोरी से एप्लीकेशन ओरिएंटेड पे शिफ्ट करते हैं, यानी आप JEE या NEET की तैयारी शुरू करते हैं, तो ये मेथड काम नहीं करता. जबकि मुझे पता है यहाँ जितने भी क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट बैठे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आज भी अपनी प्रिपरेशन का यही मोड अपनाते हैं कि थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करते हैं और उन सॉल्व एग्जाम्पल्स में डाउट आने पर उनके सॉल्यूशंस को रेफर करते हैं. मैं एक छोटा सा मेथड आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो कि आप अगर अगले 5 या 7 दिन तक फॉलो करेंगे तो आपकी अपनी प्रिपरेशन में, अपनी ब्रेन की वर्किंग एफिशिएंसी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट फील होना शुरू होगा. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, यू विल बी एबल टू रियलाइज
कि दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज. इवन इट इज बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स इन क्लास 11 जो अगले साल इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, और वो स्टूडेंट जो क्लास 12th या 12th पास में हैं, जो अभी दो महीने या चार महीने बाद इस एग्जाम को, जेई के एग्जाम को या नीट के एग्जाम को देने वाले हैं, उनको भी ये डिफरेंस फील होगा. सो सबसे बड़ा मेथडोलॉजी का जो फैक्टर है, हमारी प्रिपरेशन मेथडोलॉजी का फैक्टर है, वो है हमारे स्टडी मटेरियल को सही तरीके से फॉलो करना. आप जब भी किसी चैप्टर को स्टडी करते हैं, एक बार उसकी थ्योरी को अच्छी तरह से स्टडी करें, और थ्योरी को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद उस चैप्टर में, उस टॉपिक में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उनकी रीडिंग लीजिए, पेन को यूज मत करिए. जी हाँ, 10th तक वो तरीका सही था कि सॉल्व एग्जाम्पल्स को रीड ना करके अटेम्प्ट करना, बट क्लास 11th या 12th में आप उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को रीड कीजिए. अगर आपने एक चैप्टर को कवर किया है, से फॉर एग्जाम्पल आपने रोटेशनल मोशन का चैप्टर कवर किया, हीट का चैप्टर कवर किया, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर कवर किया, उस चैप्टर को कवर करने के बाद उसमें जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, अगर 15, 20, 25 एग्जाम्पल हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को रीड कीजिए और अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, तो उस सॉल्यूशन को पढ़ के आप अपने आप को समझा पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा. याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको एग्जांपल्स के सॉल्यूशन की रीडिंग लेनी है. हमेशा ऐसी बुक या स्टडी मटेरियल को फॉलो करें जिसमें हर चैप्टर या हर टॉपिक में प्लेंटी ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल्स अवेलेबल हों, एटलीस्ट 15-20-25 एग्जाम्पल्स ऑन ईच टॉपिक आर अवेलेबल, और जब उनको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, आपने अपने दिमाग में बैठाया, उसके बाद उस बुक को या उस स्टडी मटेरियल को बंद कीजिए. कम से कम 4 या 5 घंटे के बाद उसको आपको दोबारा सॉल्व करना है या अगले दिन सॉल्व करना है. लेकिन अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ा, उसके एग्जांपल्स की, सारे एग्जांपल्स की 20 या 25 एग्जांपल्स की रीडिंग ली, और अगले दिन अब आपको उन एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस को छुपा के सॉल्व करना है, अब आप अपने ब्रेन को टेस्ट करेंगे कि जब पिछले दिन या 4-5 घंटे पहले जब आपने सॉल्व एग्जांपल पढ़े थे तो दिमाग में कितने रिटेन है. अपने ब्रेन को जज कीजिए और सॉल्व कीजिए. आई कैन अश्योर यू कि जब आप उन 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक अच्छे स्टडी मटेरियल के 25 में से 5 या 8 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके सॉल्यूशंस आपने पिछले दिन या कुछ घंटे पहले पढ़े थे, उसके बावजूद जब आप दोबारा सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन छुपा के, तो 7 या 8 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन की डेफिशिएंसी कहां पे है, किन कॉन्सेप्ट्स को आपका दिमाग पढ़ने के, समझने के बावजूद भूल जाता है. आप अपनी खुद की कमियां आइडेंटिफाई कीजिए कि क्यों कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले जिन एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस को आपने रीड किया था, जब अगले दिन उनको सॉल्व कर रहे हैं तो बिना सॉल्यूशन देखे कई जगहों पर आप अटक रहे हैं. उसके बाद उन 25 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. अगर 7 या 8 या 5 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, अब उनके सॉल्यूशंस को देखिए और फिर अपने हाथ से अपने इनकम्प्लीट सॉल्यूशंस को कंप्लीट कीजिए. इसके बाद 8 या 10 दिन बाद आप रीअटेम्प्ट लीजिए और फिर देखिए आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कैसी होती है. हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी टॉपिक में, स्पेसिफिकली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जहां न्यूमेरिकल्स हैं, हमेशा उनके सॉल्व एग्जांपल्स को पढ़ना चाहिए, मिनिमम 20-25 इन क्वांटिटी. उसके बाद 4 या 5 घंटे या एक दिन का गैप देके उनको रीअटेम्प्ट कीजिए, फिर 7 या 8 दिन बाद दोबारा रीअटेम्प्ट कीजिए. आप देखिए आपकी अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी काफी अच्छी इंप्रूव होगी. जब पहली बार आपने सॉल्व एग्जाम्पल्स को पढ़ा, अगले दिन उनको सॉल्व किया, उसके बाद आप अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले अनसॉल्व क्वेश्चंस पे ना जाएं. और हमेशा याद रखें 6-7-8 दिन बाद उन सॉल्व एग्जांपल्स को आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है, और अनसॉल्व क्वेश्चंस जो आपने पहली बार करें 8 या 10 दिन के बाद उनको दोबारा से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपने अपने जितने भी डाउट्स थे उनको क्लैरिफाई किया है, तो अपने ब्रेन को आप टेस्ट कर सकें कि उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं. और एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस उनसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, सिर्फ उन क्वेश्चंस को मार्क कर देते हैं और एज ए मैटर ऑफ रिविजन सिर्फ वही क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो उनसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुए थे. आई स्ट्रांगली सजेस्ट रिविजन मीन्स कंप्लीट विजन अगेन. Revision means version of complete number of questions which you have attempted for the first time. So that आप जहां पे अटके थे उन questions को दोबारा करें, और जहां नहीं अटके थे उनमें आपका brain reapply करे concepts को, और आपकी strength increase हो सके. So CAPS के इस first episode में मेरा suggestion इन्हीं दो factors के ऊपर है, proper revision
or how to handle all the solved example in any topic. I strongly suggest agar ye method aap ek ya do mahine follow karenge to aap realize karenge aapke brain ki problem solving efficiency multifold increase hogi. Examination hall mein kai aise questions jo humko lagta hai aate hain aur hum galat karke ghar pe aa jate hain aur ghar pe solve hote hain, you will realize ki aapko jitne questions aate hain aur sare aap examination hall mein karke aayenge. I wish you all the very best.